हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए ऐसे 100% क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। यदि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है विज्ञान विषय में, यदि वह इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आप जो है 75 में से मिनिमम आप 40 से 50 अंक आप आराम से ला सकते हैं मात्र 7 दिन में, 1 हफ्ते में आप ला सकते हैं। तो आंसर सहित आपको इन प्रश्न बताए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, कुछ इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो यह 2 अंक में पूछा जाएगा, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक टिक लगाते जाइए। इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है कि लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं जिससे वे नमी के संपर्क में ना आए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2 अंक में पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन है, पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, कुछ इस प्रकार से यह क्वेश्चन 2 अंक में पूछा जाएगा। इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ 4 अंक लिखिए। यहाँ से यह क्वेश्चन जो है 4 अंक से आपसे इस अध्याय से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो आपसे अम्लीय क्षार में पूछा जाएगा या प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग बिल्कुल सरल है, आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। पहला है टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में, दूसरा है दांत लगाने के लिए सांची बनाने में, तीसरा है अग्निरोधक सामान बनाने एवं वायुरोधी प्रयोगशाला उपकरण बनाने में, इसके बाद है मूर्तियाँ खिलौने चौक एवं सजावटी नमूने में। इसके बाद है प्रश्न जो यहाँ पर अम्लीय क्षार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 4 अंक में आपसे 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा त्रैमासिक पेपर में, अम्लीय क्षार में अंतर। तो आपको कोई भी 4 अंतर अच्छे से तैयार करना है, बहुत ही सरल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके हर एक विषय की वार्षिक परीक्षा बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है कि लोहे को जंग से बचाने के कोई 2 तरीके बताइए। या क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि संक्षारण से सुरक्षा के 2 तरीके लिखिए। तो लोहे को जंग बचाने से 2 तरीके, या सदलेपन के द्वारा लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, और दूसरा है क्रोमियम लेपन, लोहे पर क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करना है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता को समझाइए। आघात वर्धनीयता की परिभाषा दी गई है और तन्यता की, दोनों की परिभाषा आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद धातु या अधातु में कोई भी 2 अंतर, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करें। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु या अधातु में विभेद कीजिए, या फिर यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, धातु या अधातु में कोई 2 अंतर लिखिए। इस प्रकार से धातुएं और अधातुएं आपको अंतर लिखना है, इस प्रकार से कोई भी 2 अंतर आप अच्छे से तैयार करें। यह भी क्वेश्चन भी आपसे 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन और अपमार्जक में अंतर। इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार करना है, जो कि 4 अंक में पूछा जाता है, 4 अंतर दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है मानव के उत्सर्जन तंत्र का जो कि 3 या 4 अंक में आपसे 1 या 2 चित्र यहाँ पर बनाने को कहा जाएगा, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, इस चित्र को आपको अच्छे से बनाकर सीख लेना है, कुछ इस प्रकार से चित्र दिया गया। इसके बाद जो है आपको अंतर तैयार करना है धमनी और सिरा में, कोई भी आपको 3 या 4 अंतर तैयार करना है, इस प्रकार से यहाँ पर आंसर दिया गया, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। यहाँ पर स्रव भी दिया गया है। इसके बाद जो है आक्सी श्वसन या अनाक्सी श्वसन, या इसी को हम वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन कहते हैं, इसमें आपको कम से कम 3 या 4 अंतर अच्छे से तैयार करना है, इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके बाद जो है आपको जाइलम और फ्लोयम में अंतर तैयार करना है कुछ इस प्रकार से। चार अंतर आपको तैयार करना है, यहाँ पर दिए गए हैं तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है आपको रक्त और लसिका में अंतर तैयार करना है इस प्रकार से, कोई भी तीन या चार अंतर आप तैयार करें। इसके बाद इस चित्र को भी आपको तंत्रिका कोशिका या इसी को हम न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन का नामांकित चित्र, इस चित्र को अच्छे से आपको बनाकर देख लेना है। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र, इस चित्र को भी आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपरागण और परपरागण में आपको अंतर तैयार करना है, कोई भी आप तीन या चार अंतर तैयार कर सकते हैं, इस प्रकार से अंतर दिए गए हैं तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर, आपको तीन या चार अंतर आपको तैयार करना है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ से जो है आपको परिभाषा तैयार करना है, गोले दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जो कि दो अंक में क्वेश्चन पूछाएगा, और आवर्धन किसे कहते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप तैयार करें। इसके बाद लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक क्या है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करें। विकल्प में भी पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डाइऑप्टर डी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को तैयार करना है, जो कि यहाँ पर बहुत ही सरल है। हीरे का वर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है परावर्तन के नियम लिखिए, इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है, परावर्तन के नियम, इस प्रकार से इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, इस प्रकार से आंसर दिया गया, तो फटाफट इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इस प्रश्न को आपको तैयार करना, वर्ण विक्षेपण की परिभाषा आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इस प्रश्न को भी तैयार करना कि स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इसको आपको तैयार करना है, किसी अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश नीली की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, दो अंक में आपसे पूछा जाएगा, इसको आप तैयार करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी की हेल्प हो सके। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ नहीं तैयार किया, इन प्रश्नों को पढ़कर जाइए, आप 100% 40 से 50 अंक आप ला सकते हैं 75 अंक में से। मानवनेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इस चित्र को आपको अच्छे से बनाकर तैयार करना है। इसके बाद तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करके जाइए। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इस प्रकार से उत्तर दिया गया, उस चित्र को भी आपको बनाकर तैयार करना है। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, दो दो अंक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस प्रकार से उत्तर दिया गया, इसको आप तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, पारितंत्र किसे कहते हैं, पारितंत्र की परिभाषा को आपको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ से आपको ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए, तो यहाँ पर इसको भी आप अच्छे से तैयार करें, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से विज्ञान में समय आपको इतने प्रश्नों को तैयार करना है, इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।